हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सी बी एस ई बुक द इंग्लिश ट्रेजर का चैप्टर नाइन सॉन्ग फॉर अ बीटल इन अ गोल्ड फिश बॉल का नोटबुक वर्क तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है तो दोस्तों आप मेरे चैनल में जाके मेरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो देख सकते हैं और दोस्तों ये मेरे वीडियो का पार्ट वन है तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा तो अभी सु... तो अब इसको शुरू करता है अनफेमिलियर वर्ड्स तो मतलब इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है ये यहाँ पे है टोटल कितने वर्ड्स है एक्ट हाँ एट वर्ड्स है टोटल तो ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वर्ड्स है स्ट्रगल बीटल फ्राइट ड्रॉन स्ट्रैगरिंग सीजेड थ्रस्ट और बम्बलेड तो ये टोटल हमारे एट अनफेमिलियर वर्ड्स थे गिव मीनिंग्स प्लाइट अ डेंजरस सिचुएसन तो प्लाइट को हम एक डेंजरस सिचुएशन कहते हैं प्लाइट का मतलब कोई डेंजरस सिचुएसन जैसे कि मैं कोई डेंजरस सिचुएसन में हूँ तो मैं कहूँगा आई एम इन अ प्लाइट सिचुएसन मतलब मैं एक डेंजरस सिचुएसन में हूँ मर्डलेड तो कन्फ्यूज तो मतलब दोस्तों हमारे सामने टू ऑप्शंस हैं ओके okay, जैसे कि मतलब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमारे मतलब हमारे फोर ऑप्शंस हमें लग रहा है कि इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा तो हम उन ऑप्शंस के बीच में क्या होंगे कन्फ्यूज़ तो उस तो फिर कन्फ्यूज को हम कहते हैं मडल लेड कन्फ्यूज को हम कहते हैं मडल एड मतलब मडल एड मतलब कन्फ्यूज फाइट फाइट फियर डर ओके फ्राइट और फियर फ्राइट को हम फियर भी कहते हैं राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द पोयम तो हमें इस पोएम में से राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं ब्राइट माइट नाइट ओके तो इस पोएम में जो ब्राइट है उसके टू राइमिंग वर्ड्स है माइट और नाइट फ्लाइट तो फ्लाइट का है प्लाइट राइट और साइट जो, जो फ्लाइट है उसके मतलब जो फ्लाइट है उसके टोटल थ्री ड्राइमिंग वर्ड्स है फ्लाइट राइट एंड साइट हीयर तो हियर का इस पोयम में मतलब ड्राइमिंग वर्ड है नियर हेयर का नियर ओके उसके बाद है सीजेड तो सीजेड का दूसरा इस पोयम में वर्ड है प्लीज एड ओके प्लीज एड मतलब सीजेड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो अब आता है दोस्तों हमारे क्वेश्चन आंसर ओके दोस्तों तो अब हम इसको रीड करते हैं तो वट डिड द पोएम पोएट से वेन ही सॉ द बीटल इन द गोल्ड फिश बॉल मतलब जो पोएट था वो क्या बोला जब उसने बीटल को गोल्ड फिश के बॉल में देखा वैंड द पोएट सॉ द्रगलिंग बीटल ही से इट वुड ड्राउन एट नाइट तो जो पोएट था उसने गोल्डफिश के बॉल में बीटल को देख कर कहा कि जो स्ट्रगलिंग श्ट्रग, बीटल है वो आज रात को ड्रॉन हो जाएगा वो फेल इंटू द गोल्ड फिश बॉल दो सिचुएसन वॉज इट कम्पेयरड टू ओके टू वो सिचुएशन किस से कंपेयर हुई थी और कौन गोल्ड फिश के बॉल में गिरा था तो अटल फेल इंटू द गोल्ड फिश बॉल तो एक बीटल गोल्ड फिश के बॉल में गिरा था दोइ रस्किन बॉन्ड कंपेरेड द बीटल सिचुएसन टू अ मैन इन टेन गियर तो दोस्तों इस जो मतलब इस स्टोरी की जो पोएट है वो रस्किन बॉन्ड है तो उन्होंने एक बीटल के सिचुएसन को एक टेन गियर के मैन से कंपेयर किया था कि फेल इन टू अ बकेट फुल ऑफ वॉटर वो एक बकेट फुल ऑफ वॉटर से गिर गया एंड ब्राउनेड तो मतलब टेंगियन में एक मैन होता है तो वो एक फुल बकेट ऑफ वाटर में गिर जाता है और ड्राउन हो जाता है डूब जाता है वॉट हैपन एट आफ्टर द पोएट रेस्क्यूएड द बीटल तो जब पोएट ने बीटल को रेस्क्यू किया उसके बाद क्या हुआ आफ्टर द पोएट रेस्क्यूएड द बीटल फ्रॉम द गोल्ड फिश बॉय द बीटल वॉज कन्फ्यूज बट इट सरप्राइजिंगली मैनेजेड टू फ्लाई अवे दोस्ता जो बिटल था वो मतलब जब पोएट ने उसको रेस्क्यू किया उसके बाद जो बिटल था मतलब जो कि गोल्ड फिश के बॉल से पोएट ने निकाला था वो बिटल कन्फ्यूज वे में सरप्राइजिंगली फ्लाई हो के चला गया वो बहुत कन्फ्यूज था उसको कहाँ पे जाना है और वो सरप्राइज भी था द राइट द समरी ऑफ द पोएम सॉन्ग फॉर अ बीटल इन अ गोल्ड फिश बॉल तो हमें इस पोएम की समरी लिखनी है तो इन दिस पोएम रस्किन बॉन्ड रस्किन बॉन्ड रेट्स द प्लाइट ऑफ अ बीटल हु फेल इन टू अ बॉल तो प्लाइट का मतलब क्या था दोस्तों एक डेंजरस सिचुएशन तो इस पोएम में जो रस्किन बॉन्ड है वो पोएट है नरेट कर रहे हैं नरेटर है इस पोएम में प्लाइट मतलब एक डेंजरस सिचुएशन तो इस पोएम में रस्किन बॉन्ड बीटल की डेंजरस सिचुएशन बता रहे हैं कि वो कैसे डेंजर में था वो कैसे निकला इनटू अ गोल्ड फिश बॉल वो एक गोल्ड फिश के बॉल में गिर गया था एंड वॉज नियरली द्राउन मतलब वो पूरी तरीके से डूब गया था और वो डाई होने वाला था द गोल्ड फिश वॉज़ फ्राइटनेड ऑफ द बीटल जो गोल्ड फिश थी वो बीटल से डर गई थी द पोएट सॉरी टू सी द बीटल स्ट्रगलिंग इन द वॉटर तो मतलब जो पोएट था उसने सॉरी फील किया बीटल के लिए क्योंकि वो वाटर में स्ट्रगल कर रहा था सो ही पिकेड इट अप एंड लेट इट फ्लाई तो दोस्तों जो बीटल था मतलब जो पोएट था उसने बीटल को अपने थंब और एक फिंगर से वाटर से बाहर निकाला उसको पुश किया और विंडो से बाहर पुश कर दिया और वो फ्लाई होके एक कंफ्यूज वे में और एक सरप्राइजिंगली फ्लाई होके चला गया ही पिकेट इट अप एंड लेट इट फ्लाई आउटसाइड द विंडो दोएट एंड द गोल्ड फ्लीज गोल्ड फिश प्लीजेड द बीटल वॉज रेस्क्यूड तो जो पोएट और गोल्ड फिश थी वो प्लीजेड थे क्योंकि जो बीटल था वो रेस्क्यू हो गया था ओके दोस्तों तो प्लीजेड का मतलब क्या होता है दोस्तों तो प्लीजेड का मतलब हमने अभी ही ऊपर पढ़ा तो जो प्लीजेड का मतलब है वो होता है तो प्लीजेड का मतलब होता है दोस्तों सीजेड. सीजेड मतलब रेस्क्यू मतलब रेस्क्यू काच सीज़ेड प्लीज़ प्ली प्लीजेड ये सब एक ही चीज़ है तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है तो बाय बाय दोस्तों